पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पांचवा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत इसकी है, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान उन 9 न्यूक्लियर पावर मुल्कों में शुमार होता है। चौथी बात और बड़ी अहम बात है वो, जिसे मैं पहले नंबर पर रखना चाहता हूँ, वो ये बात है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 साल से, बल्कि 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं, चाहे आप उन्हें अच्छा कहें या बुरा कहें, 15 साल से पाकिस्तान जमहूरियत की राह पे गामजन है। हुकूमतें बाकायदा आ रही हैं और वो अगली सियासी जमात को हैंडओवर करके जाती हैं या वो ट्रांजिशनरी गवर्नमेंट्स को हैंडओवर करके जाती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे। इसमें कोई जो लोग परेशान हो रहे हैं कि जी ये तो होता ही है, जब आप नए सिरे से आए हैं 2008 के बाद, तो आप देखिए पीपल्स पार्टी आई, उसने नून लीग को हैंडओवर किया, नून लीग ने पीटीआई को किया, पीटीआई ने फिर नून लीग को किया, और उसके बाद देखिए ना, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान चाहे धक्के खा के भी चल रहा है। तो हम ये जो कहते हैं ना कि हमारे सियासतदान जो है बड़े निकम्मे हैं, बड़े ये हैं, तो ऐसा है नहीं। आखिरकार वो कर रहे हैं ना, टर्नओवर कर रहे हैं और समझ बूझ से कर रहे हैं, कोई क्या तो नहीं पैदा हो रहा। वज़ीर आज़म तो नहीं बचता, उनका टर्नओवर तो उनकी चलती रहती है, टर्न्स आ रही है। ठीक है, आप जो भी कुछ कहें, देखिए ना, जा तो रहे हैं और बड़ी स्मूथली आपने हैंडओवर किया है। उन्होंने जाते जाते मुल्क को रेंगने पे मजबूर कर दिया, उसका क्या करें। मैं मानती हूँ कि जमहूरियत बहुत जरूरी है और जमहूरियत के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। अब ये जो, लेकिन ये जो जमहूरियत के तसलसल की वजह से आप ये लोग जो इस तरह से बात करते हैं कि जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुल्क के हालात भी देख लें। आपके पास कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके साथ मुखलिस होती है? सर कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे ये बात ये कहता हूँ, आपने वो जो बात कही है ना कि उन्होंने रीगने पे मजबूर कर दिया, तो वो भी एक कंटिन्यूटी के अंदर था। एक आप प्रोग्राम आपके पास आपने लिया हुआ था IMF का, अभी जो जनरल मुनीर की जो 2 मीटिंग्स हुई है, एक कराची के अंदर 6-7 घंटे वाली, एक लाहौर के अंदर 6-7 घंटे वाली, पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से जो कि एक्चुअली पाकिस्तान को मेक एंड शेप करते हैं, उसके अंदर उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा यानी अफसोस का, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, पाकिस्तान को निकल जाना चाहिए, इसलिए बस ये आखिरी प्रोग्राम पाकिस्तान का होना चाहिए IMF के अंदर, और इसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसलिए कि IMF से हर चीज के अंदर हमें इजाजत लेनी पड़ रही है। आपने देखा है बिजली के बिलों का मामला जो आया है सामने, तो आपको IMF को सबमिट करना पड़ा। अब एक वक्त वो आएगा कि आप अगर बजट आप खरीदारी करने के लिए भी जाएंगी तो IMF से आपको इजाजत लेना पड़ेगा, क्योंकि IMF इस किस्म की रवैया आपके साथ अख्तियार कर रहा है, संगदेली का मैं कहूंगा। तो वो जो उन्होंने जो प्लान दिया है कि $100 बिलियन के वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा कि लाएंगे, उन्होंने कहा है ऑलरेडी मैं कमिटमेंट ले चुका हूं, इसमें से 75 अरब डॉलर की जो कमिटमेंट मैं ले चुका हूं, और वो शोबे तक उन्होंने निशानदेही कर दी। नाम लेकर उन्होंने कहा कि MBH से मुझे आपसे बात पूछनी है, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, मैं आपको कंटिन्यू करूंगी। और जी क्या तदिया करेंगे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब? पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि स्लोगन मॉन्गरिंग बहुत होती है। एक जमाना था जब पाकिस्तान में कहा जाता था कि जी जितने सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, कि एब्डो लगा दो। एब्डो लगा दिया गया, मोहतरमा फातिमा जिना को खुद बाहर निकलना पड़ा ताकि जमहूरियत को रिस्टोर करें, लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद ये उसी जमाने में ये भी कहा गया कि जी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो सबकी सब करप्ट है और उसको फौरी तौर पर चेंज करना, और ये किया भी गया। वो बड़ा मशहूर फिगर है कि 313 जो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरीज वगैरह थे उनको निकाला गया। और मैं उस दौर, आपको मालूम है उस दौर को तो बेहतरीन दौर कहा जाता है ना, 60s का जो दौर था, और सबको निकाल दिया आपने, जो आप लेके आए वो उनसे ज्यादा करप्ट निकले। ठीक है, देखिये मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बड़ी आसान तरीके से निकाली है। कभी कि वो अजीब अजीब आजकल एक लफ्ज निकाल लिया गया अशराफिया, ये किसने निकाला है, किसने फेंका, ये इसका कोई सुराग नहीं लगा था, लेकिन ये आ जाता है एक जिसे कहते हैं माचिस की तिल्ली की तरह, और फिर उसे वो कर दिया। अब सारे जितने गुनाह है वो किसी नामालूम अशराफिया के गले में थोप दिए गए हैं, और उसी अशराफिया को कहा जा रहा है कि जी आप ये ना करें। अभी मैं आपको एक फिगर देता हूं, 13 अरब रुपए टोटल है जो कि रियायत के अंदर आप बिजली की
देते हैं लोगों को जो फ्री बिजली सप्लाई कर, 13 अरब रुपए है। पाकिस्तान का जो बजट आया था आपके 2023 का, वो पता है कितना था? 14,000 अरब रुपए। उसमें 13 अरब रुपए की क्या औकात है? बात यह है कि आवाम खुद किसी किस्म की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेने के लिए। मुझे सर एक सेकंड, जहाँ तक सब्सिडी देने की बात है तो ये जो मुफ्त की बिजली पे बड़ा वावेला हो रहा है, आप मुफ्त की बिजली तो ना करें ना। जब आपका ऐसा बोलते आपको सब्सिडी दे रहे, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। दूसरी बात जो अभी सलमान रहमान साहब कर रहे थे, उसका भी मैं जवाब बात करूंगी और साथ ही मुनव्वर मिर्ज़ा साहब उसका जवाब भी लूंगी। बात हम करते हैं मासेस की, हम कौन से खुद सुधरे हुए, जहाँ 4 पैसे आए नहीं, डॉलर खरीद लिया और घर पे जाके स्टोर कर दिया, हमें जाते हैं तो हम खुद ही खराब है, हमें भी तो ठीक होने की जरूरत है। जी सर, मैं इसमें एक एडिशन कर दूं। जी सर, अभी खबर आई थी ना, आपको याद होगा, तीन चार महीने पहले वो एक कश्ती डूब गई थी जी, तो उसमें जितने इंटरव्यूज आ रहे थे वो कह रहे थे 30 और 35 लाख रुपए देकर हमने जनाब ये सफर अख्तियार किया और जाकर डूब गए, है ना। बड़ा दुख होता है उनका, ये मैं नहीं कहता कोई मजाक कर रहा है, 30-35 लाख रुपए दिए उन लोगों ने जो कि अंडर मैट्रिक थे ज्यादातर, ठीक है, नौजवान थे और वो कोई हाईली क्वालिफाइड भी नहीं थे। क्यों ऐसा वो करते हैं? 30-35 लाख रुपए कहाँ से आते हैं ये 30-35 लाख रुपए? आपको वो अशराफिया जिसका आप नाम लेते हैं ना, उन सियासतदानों के घरों के अंदर से तो आपको अरबों रुपए निकल निकल के आ जाते हैं, और ये जो पैसे आ रहे हैं इनका कोई जिक्र नहीं करता। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ, आप कोई आवाम के लिए तजवीज पेश करें, आप मैं बार बार आपको आपके प्रोग्राम में कहता हूँ और आप मुझसे एग्री भी करती हैं और खत्म भी इसी पे करती हैं हमेशा, आपका शुक्रिया बहुत। देखिए दुनिया भर में तरीका ये है कि अगर आपके पास बिजली नहीं है, मगर हालांकि आपके पास बिजली ज्यादा है, लेकिन अगर आपको बचत भी करनी है, टैक्स IMF लगाए, डेफिनेटली मैं भी हूँ आप भी हैं, बिजली का बिल नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई भी कंट्रोल नहीं करता। लेकिन आज ये आप प्यूटन का स्टेटमेंट देख लें, उसने खुद कहा है ये कि हमने जो गंदम और खाने के तेल पर जो पाबंदी लगाई है उसकी वजह से महंगाई आई है, और ये किस जो काम में हमने किया है, इस जवाब ने किया कि वेस्ट ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई थी। तो यानी उसकी सजा प्यूटन जो है जंग तो कर रहे हैं वेस्ट से और यूरोप से, और सजा आप भुगत रहे कौन? पाकिस्तान, जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप जिक्र कर रही थी ना कि जी आलमी मफादात, तो देखिए इस तरह की सजाएं भी हमें, कोरोना हम लाए थे क्या? कोरोना हमारे घर से फैला था क्या? लेकिन सजा किसने भुगती? लेकिन आवाम को चाहिए कि देखिए वो भी आखिरकार ये सिर्फ कुछ कहीं से कोई तलाश कर लेते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ जैसे अभी उन्होंने कहा कि जी अगर स्मगलिंग हो रही है, $50 लाख पर हो रही थी ना अफगानिस्तान से, गलत पॉलिसी थी, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछली गवर्नमेंट ने भी और बारीक जुमला है। बार आपने वो जुमला सुना है, मैं इनकी तरफ वापस ही जाऊंगी, उसके तो बारीक जुमला ये था कि रोकी क्यों नहीं, जो रोक सकते। बात ये है क्यों नहीं रोका आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली बात यह है कि आपने जो पॉलिसी बनाई थी पिछली गवर्नमेंट में और उनसे पिछली गवर्नमेंट में और उनसे पिछली जो आप 50 साल से पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, वो आप एक दिन एक लम्हे के अंदर बदल देंगे? आप तो बैठकर यहाँ पर तालिबान को जनाब वो करते थे और उनको लेके जाते थे दोहा और कतर, तो आज आप क्या तालिबान से क्या वेस्ट में? तालिबान वाला मसला भी एक अजीब है, वो भी मैं कहती हूँ अगर अगर ये बात कहता है कि ये सब चीजें जो है पीटीए की गवर्नमेंट में हुई, बिल्कुल जनाब हुई होगी, चाहे वो एक मिनट का काम। मैं बहुत मुख्तसर बता देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूँ, देखिए पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रही है सिवाय एक के अलावा, ये गुजश्ता 11-12 पार्टी जो थी उन्होंने आपको 16 महीने, आपको बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है, उनको बुरा भला कह रहे हैं हम, इसलिए कि उन्होंने मुश्किल फैसला किया। एक जिस चीज को अब एड्रेस करने की पाकिस्तान में जरूरत है वो खौफनाक जहरीला गंदा प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तानी आवाम को मायूस करने के लिए यहाँ से भी किया जा रहा है, इस सोशल मीडिया को, जिस मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ और मुझे 35 साल हो गए मीडिया के अंदर काम करते हुए, जिस गलादत से, जिस बुराई से, जिस गंदगी से और जिस ना तजुर्बेकारी से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के लोगों को मायूस करने, उसने तबाह कर दिया पाकिस्तान में। कुछ ऐसी मुसीबत नहीं है पाकिस्तान के तमाम जितने बड़ा सर, अभी उन्होंने नाम लिया, जरदारी साहब, आसिफ, अब नवाज शरीफ साहब, सब आपस में बात कर रहे हैं, कल फिर वो बातचीत करेंगे इलेक्शन के बाद। मुनव्वर साहब की बिल्कुल बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ।